अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। क्लास 6 है, एक्सरसाइज 9.1 है बेटा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करने आज हम जा रहे हैं। ये सेम एज इट क्वेश्चंस है जैसे आपने 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में किया था बेटा। देखें वही रूल्स हैं, मैं रूल्स को रिपीट कर देता हूं कि जो वैल्यू इधर प्लस या माइनस हो रही है वो अपना इक्वल टू के उधर जाके साइन चेंज कर लेंगी। मतलब इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगी, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगी, और जो डिवाइड हो रही है उधर जाके मल्टीप्लाई हो रही है, और जो मल्टीप्लाई हो रही है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। यहां पर क्वेश्चन देखें, 6h - 1 = 11 है। अब ये माइनस वन है, इक्वल टू का साइन से इधर आया तो ये प्लस वन, यानी कि अपना साइन चेंज कर लेगा। माइनस है तो प्लस हो गया, अगर प्लस का होता तो माइनस हो जाता। अब ये माइनस है, इधर प्लस हो गया, 11 + 1 = 12 हो गया बेटा ये। अब ये 6 पे डिवाइड कर देंगे, देखिए 6 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो 12 / 6 आ गया। 12 को 6 में डिवाइड करें तो आंसर कितना आता है? 2, यानी कि h की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, 11p - 20 = 77। अब ये -20 है, उधर जाके क्या हो गया? +20, तो 77 + 20 कितना बन गया? 97। 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो p = 97/11 आ गया, क्योंकि बेटा 97/11 पे डिवाइड नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वहां पे है f - 7 = 7। ये माइनस का था 7, उधर जाके किसका हो गया? प्लस का 7, और 7 कितना हो गया? 14, यानी कि f = 14 आ गया। अगले क्वेश्चन पे चले बेटा, 6r - 8 = 40। ये माइनस 8 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? यस, प्लस का 8 हो जाएगा, 40 + 8 = 48 हो गया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 6, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 6, तो 48 को 6 पर डिवाइड करें तो r = 18 आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, 2g - 17 = 17। अब -13 इधर, उधर जाके प्लस होकर क्या बन गया? 30, 17 + 13 = 30 आ गया, तो 2 पे डिवाइड करेंगे 30, तो g = कितना आ जाएगा हमारे पास बेटा? 15, यानी कि 2 15 = 30 होते हैं। इसी तरह बेटा अगले क्वेश्चन में चले, 19m + 11 = 147 है। ये प्लस का 11 है, उधर जाके माइनस का 11 हो गया, 147 से -11 करें तो 163 आ जाएगा। 19 को 163 पर डिवाइड करें, ये डिवाइड नहीं होता, तो एज इट हम इसको आंसर लिख देते हैं बेटा। ये था आज का हमारा लेसन। मैं अगेन आपको जो रूल्स है अगेन रिपीट कर रहा हूं, गौर से सोचिएगा, गौर से समझिएगा, गौर से देखिएगा, ताकि आपको इनकी समझ आ जाए। जो वैल्यू बेटा यहां पर होती है इक्वल टू का साइन चेंज करती है, अगर वो माइनस की हो तो उधर जाके प्लस की हो जाती है, और अगर वैल्यू प्लस की हो जैसे यहां पर है तो उधर जाके क्या हो जाती है? माइनस की। और जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है वो उधर जाके क्या हो जाती है? डिवाइड। जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है उधर जाके क्या हो जाती है? डिवाइड। जो मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड। यहां पर डिवीजन की कोई वैल्यू नहीं है, अगर होती तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाती। तो बेटा अपना खास ख्याल रखिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो क्वेश्चन समझ नहीं आए हमें पुट ऑन कीजिएगा, हमें बताइएगा, हम इंशाल्लाह आपको सेटिस्फैक्ट्री उनका आंसर देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।